दतिया के इंदरगढ़ में लोग आधार कार्ड बनवाने के लिए काफी परेशान हो रहे हैं। दरअसल इंदरगढ़ में सिर्फ एक ही सेंटर है जहां आधार कार्ड बनाए जाते हैं और यहां मशीन खराब हो जाने के कारण लोगों के आधार कार्ड नहीं बन पा रहे हैं, जिससे लोगों को कई तरह की बाधाएं आ रही हैं। आज आधार कार्ड इंसान के लिए एक बड़ी जरूरत बन गया है। वहीं अगर आधार कार्ड बनवाना हो या फिर आधार कार्ड में सुधार करवाना हो तो उसके लिए सेंटरों की व्यवस्था की गई है, लेकिन दतिया जिले के इंदरगढ़ तहसील में लोगों को आधार बनवाने और उसमें सुधार करवाने के लिए काफ़ी परेशान होना पड़ रहा है। लोग दो दो दिन तक सेंटर के चक्कर लगाते हैं लेकिन उनका आधार नहीं बन पा रहा है। आधार कार्ड सर बहुत प्रॉब्लम आ रही है आधार कार्ड में। गांव से आते हैं हम लोग, बहुत सारी दिक्कत आ रही है। सेंटर एक ही है पांडे रोड पे केवल सतीश कुमार झा का, वो भी सर्वर के कारण दिक्कत आ जाती है। बहुत सी परेशानी हो रही है सर। दो चार दिन चक्कर भी लगाते हैं हम लोग लेकिन परेशानी आ रही है। आपको क्या कराना अपना आधार कार्ड? आधार कार्ड सर अपडेट कराना है। दरअसल इंदरगढ़ तहसील में 120 गांव में मात्र एक ही आधार सेंटर स्वास्थ्य केंद्र में संचालित हो रहा है। उसमें सुविधाओं के अभाव के कारण आने वाले लोगों को परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। दरअसल सेंटर संचालक ने बताया कि आधार कार्ड बनाने की मशीन में कुछ खराबी आ गई है, जिसे ठीक कराने के बाद ही लोगों के आधार कार्ड बन पाएंगे। और अभी यहाँ पूरे अंदर में केवल एक ही सेंटर है, भीड़ बहुत ज़्यादा पड़ रही है और इसलिए कुछ धक्का मुक्की हुई, इसलिए मशीन पर तो दबाव पड़ गया, इसलिए मशीन खराब हो गई है। अभी जल्दी चालू हो जाएगी तो चालू कर देंगे। कितने सेंटर का कलेक्टर ने यहाँ आदेश किया? यहाँ पे 6-7 सेंटर का आदेश दिया था लेकिन अभी तक वो एक भी ऑपरेट में नहीं आया है। हमने अब सरकारी जगह पे शिफ्ट किया है, जब से लगातार कंटिन्यू चला रहे हैं। कितने गांव पढ़ते हैं पूरे आप? करीब 35 से 36 गांव से ऊपर ही पढ़ते हैं आसपास क्षेत्र में और काफी जनसंख्या इकट्ठी हो जाती है। आधार कार्ड ना बन पाने की वजह से लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में प्रशासन को जल्द ही आधार कार्ड शिविर लगाकर लोगों के आधार कार्ड बनवाकर उनकी परेशानी दूर करवानी चाहिए, ताकि क्षेत्र के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। न्यूज़ बुंदेलखंड के लिए दतिया से रवि रायकवार की रिपोर्ट।